दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से पति और पत्नी इस वीडियो को जरूर देख लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। चाहे आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, पति पत्नी उनके माँ बाप को एक बार जरूर सोचना चाहिए इस बात को लेकर। कहीं मुद्दे, कहीं पति पत्नी के मुद्दे, मैं कहीं केस देखता हूँ, 2016 से मैं इस लाइन में हूँ, कहीं सारे केस देखा हूँ मैंने। कहीं केस तो ऐसे होते हैं जिसमें वाकई पति और पत्नी की लड़ाई होती ही नहीं है। अपना ईगो को सेटिस्फेक्शन करने के चक्कर में, अपने घर वालों की बात मनाने के चक्कर में खुद की बर्बादी कर देते हैं लोग, ठीक है। देखिए माँ बाप को भी बहुत ज़रूरी है सोचना और पति पत्नी को भी ज़रूरी है सोचना। ऐसा नहीं कि पति ही सोचे, पत्नी को भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और अपने ईगो को है ना साइड में रख लीजिए, वही फायदा है। देखिए यार, दुख होता है हमको कि जो आपकी उम्र है आज की डेट पे, बहुत गहरी बात बोलने वाला हूँ मैं, जो आपकी उम्र है ना आपकी डेट पे, आपकी शादी कब होती है, 20-30 साल की उम्र में, और एक आपका ब्राइट टाइम है, एक ब्राइट फ्यूचर आप बना सकते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हो, उस समय को आप कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर देती हो, ठीक है ना। कई मामले होते हैं पति पत्नी के जो ईगो अहंकार की लड़ाई होती है, घरवालों की दखल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से उनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। देखिए वकीलों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप ये सोचते होंगे कि साहब वकीलों का कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वकील को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पुलिस वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सोच के देखिए कि बर्बादी किसकी हो रही है। देखो वकील साहब के पास तो आपकी पीस चली जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, और वकील के साथ में पुलिस वालों का अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। महिला सेल में कहीं भी चले जाओ, अपने अपने सब ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बर्बादी किसकी हो रही है, पति और पत्नी आपकी हो रही है। माँ बाप भी अपनी जिद मनाने के चक्कर में बहुत बुरी हालत कर देते हैं लोगों की, चाहे वो रिमोट का सिस्टम हो, चाहे अपनी बात मनाने का सिस्टम हो, चाहे वो नाक रगड़ाने का सिस्टम हो, कहीं ना कहीं से ये बर्बादी हो रही ना पारिवारिक विवादों में, खास करके घरवालों की वजह से, और ये दखल ज़्यादा होने की वजह से और ईगो अहंकार की वजह से हो रही है, अपनी जिद मनाने की वजह से हो रही है। देखिए आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, ये बात आपको भी सोचना पड़ेगा, पति को भी सोचना पड़ेगा, तो पत्नी को भी सोचना पड़ेगा और पति पत्नी के घर वालों को भी सोचना पड़ेगा कि अपना जो ईगो अहंकार है पारिवारिक विवादों से इसको दूर को हटाना ही पड़ेगा आपको। देखिए दुनिया आप पे हंसेगी, हकीकत में आपके रिश्तेदार भी आप पे हंसेंगे, याद रखना, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ होंगे इस चीज़ को देख के, ठीक है। कोई किसी को कहते ना कि आपकी प्रॉब्लम को देख के कोई दुखी नहीं है आज की डेट पे, आप ही दुखी हो उसको देख के। आपके अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन तो बहुत खुश है आपकी ये प्रॉब्लम देखते हुए कि भाई अच्छा हो गया इसके साथ, आप कोर्ट कचहरियाँ घूम रहे हो भाई पागलों की तरह। अरे सोच कर तो देखिए यार, जो लड़ाई विवाद आपकी यहाँ ख़त्म हो जाती उनको आप कोर्ट कचहरियाँ घुमा के चेकी, बात कहाँ पे आ जाती मेरे दोस्त, वहाँ पे आती है जहाँ पे लोग आप लोग कहते हैं कि आ जाइए देख लेंगे कोर्ट कचहरी में। पति पत्नी का जो विवाद है ना वो इतना बड़ा विवाद नहीं होता है। देखो हर घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पति पत्नी कोर्ट कचहरी पहुँच जाएंगे। 135-140 करोड़ का जनसंख्या वाला देश है ये, लेकिन आज के डेट पे ना मेला लगा वहाँ कोर्ट कचहरी में। आप देखिए कुटुंब न्यायालय जितने भी हैं उनमें हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ही मामले जा रहे हैं, आए दिन आपको पता कि इसी फैमिली कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं। तो आप सोच के देखिए कितने बड़े गहरे बात को लगा के देखिए कि बर्बादी आखिर हो किसकी रही है। आप बच्चे नहीं हो आज के डेट पे, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, आप खुद का डिसीजन ले सकते हो, आप पति पत्नी हो। मैं ये नहीं कहता कि आप माँ बाप की बात मत मानो, लेकिन अपने माँ बाप की बात और अपने माँ बाप की जिद के चक्कर में अपने बच्चों की माँ को मत छोड़िए आप, अपने बच्चों के पिता को मत छोड़िए आप, अपने बच्चों का जिंदगी खराब मत करिए आप। जरा एक बार सोच के देखिए आप लोग, आपने शादी ये सोच के नहीं की थी कि शादी के एक साल या दो साल के बाद आप कोर्ट कचहरी घूमोगे एक ईगो अहंकार की वजह से, और घर वाले जितना दूर रहोगे उतना ही रिश्ता सेफ रहेगा आप लोगों का। जितना दखल अगर घर वाले डालते हैं उसकी वजह से रिश्ते खराब होते हैं मैक्सिमम, तो और एडल्ट्री वाले तो मामले ही खराब है भाई। जब तुमको एडल्ट्री ही करनी थी शादी के बाद तो भाई शादी ही क्योंकि आप लोग खुले रह जाते वही अच्छा था, आपको किसी के बंधन में नहीं बनते। शादी का एक बंधन होता है, ये चीज़ आपको पहले सोचना चाहिए था
जो एडल्ट्री में जाते हैं लोग, जो पति हो चाहे वो पत्नी हो और वो बच्चों का फ्यूचर खराब कर देते हैं, तो उनको शादी करने से पहले सोचना था। और कई माँ बाप ऐसे होते हैं, आज की देखो एडवांस जनरेशन है कि साहब, जिनके कर्म कुकर्म समझ में आ जाते हैं, कुकर्म उनके सामने आ जाते हैं, तो उसके बाद वो माँ बाप ये सोचते कि बच्चा बच्ची सुधर जाएंगे, इनके नहीं सुधरने वाले भाई, वो किसी दूसरे के परिवार को खराब करने जाके। ठीक है, एक अच्छी लड़की है और एक अच्छा परिवार में एक लड़का बिगड़ चुका है, लेकिन परिवार के उनके माँ बाप को देख के उससे शादी कर दिए, लेकिन वो लड़का तो बिगड़ा हुआ है। उसी प्रकार से अगर एक लड़की बिगड़ी हुई है, अच्छा परिवार में उसकी शादी हो गई, तो उस परिवार का तो नाश हो गया। तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए इन बातों को लेकर। पारिवारिक विवाद एक पर्सनल मैटर होते हैं, इस पे आप इतना मत गहराई मत लगाओ कि कोर्ट कचहरी से आप जीत के क्या मिलोगे। आपको 5 साल 10 साल आपका जो ब्राइट टाइम है, सबसे कीमती समय आपका जो है, उस समय को आप कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर रहे हो आज के डेट पे। हो सकता है आप अच्छी जगह पोजीशन पे पहुंच सकते थे, जो आपका ये ब्राइट समय चल रहा है, जिसको कोर्ट कचहरी में आप बर्बाद कर रहे हो। देखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत कहाँ पे आती है, कि आपके मामले में जब से बड़ी होती है कि किसी भी महिला के साथ कुछ हो रहा है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, छोटी सी बात में एक महिला के साथ मारपीट हो गई, साहब पड़ताड़ना हो गई, सब कुछ हो गया, और उसकी 10 लाख की कीमत लगे कि 10 लाख रुपये दे दो, सब कुछ आरोप प्रत्यारोप सब खत्म हो जाएंगे। क्यों भाई, शादियों की कीमत लगाई जाती है, बाद में खरीदा जाता है, पहले तो खरीदा जाता है और बाद में बेचा जाता है, ये सिस्टम हो गया आज की डेट पे। पैसों का खेल चल रहा है हर जगह। कितने ही बड़े केस हो जाओगे, 10 साल 5 साल 2 साल के बाद में कहते कि भाई 25 लाख रुपये दे दो, नहीं तो 10 केसों में फंसाने वाली हूँ मैं। शर्म करो यार, तुम लोग शादी की हो, समझदार हो, समझदार के बाद बेवकूफ़ी वाले काम करते हो आप लोग, बच्चों का फ्यूचर खराब कर देते हो आप लोग, आपकी ज़िंदगी को आप खुद के हाथों से नर्क बना देते हो आप लोग। सोचना चाहिए आप लोग, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा गहराई लगाइए इन बातों पे, और बैठ के अपना ईगो अहंकार को दूर करिए, अपने टाइम को खराब मत करिए। देखो सब कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन ये समय कभी नहीं मिलने वाला आपको। ये बात आप अच्छे से समझ लेना कि ये समय आपको कभी लौट के नहीं मिलने वाला कभी भी, और ये बहुत कीमती समय आपका, सबसे कीमती समय चल रहा आपकी ज़िंदगी का ये। अगर ये समय निकल गया ना, तो ये लौट के नहीं आने वाला आपका, ये समझ लेना आप लोग। और उसके बाद है ना, आप बर्बादी के कतन के आंधी तूफान आते तब पता नहीं चलता, लेकिन जब वो शांत हो जाते हैं ना, उसके बाद पता पड़ता है कि बर्बादी कितनी हो चुकी है। तो इस वजह से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ आप लोगों से कि भाई अगर आपकी बात बनने वाली है तो उसको बना लो, बैटरी के चक्कर में मत रहो कभी भी, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, हर किसी को कोई बैटरी नहीं मिलता है, बैटरी बनाया जाता है, बैटरी बना जाता है शादी के बाद में। शादी के बाद में बहुत जिम्मेदारियाँ होती, शादी का एक बंधन होता है, तो इस वजह से आप अपने बच्चों का फ्यूचर खराब मत करिए कभी भी, किसी की बातों में आके अपने बच्चों का फ्यूचर खराब मत करिए, किसी की बातें मनाने के चक्कर में अपना खुद का रिश्ता खराब मत करिए। देखो माँ बाप है ना, उनके आधी उम्र निकल चुकी है, ये सोच लो आप लोग, और ये जो भाई है यार, ये बहनें हैं, ये अपने जैसे बहन है पति की, उसका रिमोट चल रहा है, तो शादी के बाद अपने पति की हो जाएगी, ठीक है, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, ये बात समझ लेना। और जो पत्नी के भाई है ना, इनकी शादियाँ नहीं हुई, जब बीबी आ जाएगी ना, तो भैया आपसे राम राम करना, फ़ोन करना भी बंद कर देंगे, हालचाल भी नहीं पूछेंगे आपके। इसी वजह से रहना आप दोनों को है, आपने शादी की है ना, तो आपके होने वाले बच्चे भी, आज तो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इनका फ्यूचर खराब हो रहा है, लेकिन इनका फ्यूचर भी अगर शादियाँ हो जाती है, तो उसके बाद भी ये भी आपसे दूर हो जाएंगे, आपके खुद के बच्चे भी। तो ये सोच के आप चलिए, इस चीज़ों पर सोचिए कि आपका कितना समय खराब हो रहा है इन चीज़ों में। इस वजह से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ पति पत्नियों से, मैक्सिमम मैं बार बार यही मैसेज देने की कोशिश करता हूँ, हर वीडियो में कोशिश ये करता हूँ कि भाई आपका रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, बात बन जाए तो बना लो, वरना भाई कोई वकील का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। वकील अपना काम करेगा भाई, फीस लेगा अच्छी वाली, और दोगे आप, हकीकत है दोगे आप फीस तो, और कोई वकील गलत नहीं होता, ये बात समझ लो। आप कहते हो कि वकील गलत होते, वकीलों के पास तो आप गए हो खुद, तो दोष क्यों दे रहे हो आप लोग, वकील तो अपना काम कर रहा है। देखो भाई वो तो उसका वर्क है, अपना प्रोफेसर है वो तो, ठीक है, अपना अपना काम करेगा वो, तो आपको समझना पड़ेगा ना। आप एक वकील गलत हो गया, दूसरे वकील को आप गलत बता देते हो, ऐसा नहीं हो सकता, एंड में जाके तो वकील ही काम करेगा ना, आपका केस जिताएगा भी तो वकील ना आपको। इस वजह से आरोप प्रत्यारोप दूसरे पे मत लगाओ, बैठ के सोचो समझो, और एक पोलाइटली जो ईगो है उसको थोड़ा सा साइड में रखो अपने आप से, रिश्ते से, और उसके बाद सोच के समझ के अपना जो समय कीमती है उसको बर्बाद करने से रोको। सबसे अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ आपको, आज भी बोल रहा हूँ, और यही बातें आपको याद आएगी आगे चल के कि भाई काश हम रिश्ते को बचा लेते। अरे आपके बीच में कुछ तो अच्छी बातें होगी ना,
आपने शादी की है, एक साल दो साल आपके बच्चे पैदा हुए हैं, कुछ तो बातें आपकी अच्छी रही होगी बीच में, कुछ तो मेमोरीज आपके बीच में अच्छी रही होगी। इस वजह से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के माँ बाप की वजह से या किसी की दखल की वजह से या किसी की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कोशिश करो कि इस रिश्तों को बचाओ आप। इस वजह से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आपका रिश्ता है, बचा लो इसको। देखो हम भी पढ़े लिखे हैं भाई, रिश्तों की कीमत जानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहते कि बचा लो अपने रिश्तों को, ख़राब मत करो, खिलौना मत बनाओ इन रिश्तों का, ठीक है। तो आई होप मैं एक मैसेज देना चाह रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और आपका कॉमेंट में जो ओपिनियन है ज़रूर बता।